हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल नॉलेज साथी में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। जब इंडस्ट्रीज में आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए बहुत ये काम आती है, तो ऐसी इस प्रकार की सैलरी स्लिप आप कैसे बना सकते हैं जिसके अंदर हमको एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी हम सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो इधर ये देखिए कि इधर ऑटोमेटिकली उसका बेसिक ओवर टाइम और ये जो भी डिडक्शन है, जो भी अर्निंग है, वो दोनों इस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। तो उसके लिए हमको सिर्फ क्या करना पड़ता है, जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी के नाम से हमको सबका पूरा उसका नाम, और उसका नाम मिल जाएगा, कौन से मंथ की सैलरी है वो मिल जाएगी, उसका डेजिग्नेशन क्या है वो मिल जाएगा, और उसका बेसिक पे ओवर टाइम जो भी उसको मिल रहा है, जो टोटल अर्निंग मिल रही है या टोटल डिडक्शन जो भी हो रहा है, और बाद में उसमें नेट सैलरी भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार की हमको सैलरी स्लिप इंडस्ट्री में बनाने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में यह सीखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहेंगे, जब एक्सेल ऑपरेटर एज एक्सेल ऑपरेटर जॉब करेंगे तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे बनाते हैं इस प्रकार की सैलरी स्लिप, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम नई शीट ले लेते हैं, नई शीट में ये बनाते हैं। तो उसके लिए क्या सेटिंग करना पड़ेगा, हम ये नई शीट ले लेते हैं और एक शीट लिया, अभी ये शीट ले लिया हमने। अभी उसको सेटअप करने के लिए पहले सबसे पहले ये व्यू मेन्यू में जाना है। अगर ये व्यू मेन्यू में व्यू मेन्यू में जाकर हमको क्या करना है, हमको जो पेज लेआउट है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तब ये A4 साइज़ का पेज लेआउट आ जाएगा। उसके अंदर हमको सिर्फ चार कॉलम रखना है, अगर आप ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना भी कॉलम चाहिए उसके लिए। अभी मैं इधर चार कॉलम रखता हूँ क्योंकि हमारी जो ये सैलरी स्लिप है उसके अंदर हमें सिर्फ चार कॉलम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे चार कॉलम रखता हूँ, 1, 2, 3 और 4, ये चार कॉलम आ गए। अब हम उसको क्या करेंगे, अभी हम उसको करेंगे, अभी ये पहला वाला कॉलम है उसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे जो हेडर आ जाएगा उसके लिए, जो उसके बीच में स्पेस रखने के लिए इसको छोड़ देंगे। और दूसरे कॉलम में हमको सिलेक्ट करके उसको होम मेनू में जाके मर्ज और सेंटर कर देंगे। तो मर्ज और सेंटर करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी के नेम, तो कंपनी का नाम हम रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम हो गया। उसको हम फॉन्ट साइज़ उसकी 14 कर देते हैं और उसको बोल्ड कर देते हैं। अगर 14 सबसे अगर ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहिए। तो ये हो गई हमारे कंपनी के नेम, और उसके नीचे की जो सेल है, उसके नीचे की जो रो है, उसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और उसके अंदर हम लिखेंगे कंपनी के एड्रेस, तो कंपनी के एड्रेस हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रेज फ्रेज 3 वडवान GIDC, और उसका पिन कोड भी डाल देंगे 3630 30। ये हो गया, उसको भी हम फॉन्ट साइज उसका जो भी आपके हिसाब से रख सकते हैं, ये 14 रख दिया मैंने उसमें, और उसमें भी हम उसको बोल्ड कर देंगे। और उसके नीचे वाला जो रो है उसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और उसको भी बोल्ड कर देंगे, और उसका फॉन्ट साइज भी 14 कर देंगे। उसमें लिख देंगे मंथली सैलरी स्लिप, ये मंथली सैलरी स्लिप ये हो गया। उसके नीचे हम बॉर्डर रखने के लिए, तो बॉर्डर रखने के लिए रखने के लिए हमको जाना पड़ेगा, ये मेनू है उसमें जाके हम उसको बॉटम बॉर्डर, ये देख सकते हैं आप बॉटम बॉर्डर, ये बॉटम बॉर्डर है, ये बॉटम बॉर्डर को हम सिलेक्ट कर देंगे। ये देखो बॉटम बॉर्डर आ गया, उसको अभी आपको उसकी थिकनेस बढ़ानी है तो इधर लाइन स्टाइल में जाके आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो उसकी थिकनेस इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ये उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा बार हो गई, ये थिकनेस हो गई उसकी, तो अभी ये उसकी थिकनेस हो गई। अभी हमको करना है ये लाइन, ये रो है जो है, ये रो हमको छोड़ देना है। उसके नीचे हमको लिखना है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, उस इधर लिखना है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन, और इधर लिखना लिखना है मंथ
एंड ईयर, मंथ एंड ईयर ये हो जाए हो गया। उसका भी हम साइज बढ़ा देंगे, उसका भी 14 साइज कर देंगे और उसमें उसको भी बोल्ड कर देंगे। तो अभी ये मंथ एंड ईयर हो गया, उसको हम बॉर्डर 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 रखते हैं, तो बॉर्डर हमको ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर देना है। लेकिन ये बहुत थिकनेस वाला बॉर्डर आ गया है, तो उसको कंट्रोल जेड करके हमको सबसे पहले वो जो बॉर्डर की जो थिकनेस है उसको लाइन लाइन स्टाइल में जाके नॉर्मल से कर देनी है। और उसके बाद हमको ऑल बॉर्डर उस सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर दीजिए और ऑल बॉर्डर कर दीजिए। तो अगर ये ऑल बॉर्डर दे देते तो देखो ये आ गई। अभी हम एक रो और छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे से हम स्टार्ट कर देंगे। नीचे ये जो लाइन है, ये जो रो सॉरी ये रो जो है वो यहाँ पे लिख देंगे अर्निंग, जो भी टोटल अर्निंग होती है तो यहाँ पे अर्निंग, और इधर टोटल डिडक्शन, तो ये डिडक्शंस हो गया और यहाँ पे हम अर्निंग्स आ गई। अभी उसका भी हम फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, 14 कर देंगे, उसको भी बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे अर्निंग में क्या क्या सोर्स है, सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी, त्यार बाद बेसिक सैलरी के बाद क्या क्या आता है, तो ओवर टाइम आता है, तो इधर ओवर टाइम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, तो जो ये पेट्रोल खर्च देते हैं जो भी कंपनी, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेयंस, तो हम कॉन्वेयंस भी इधर रख लेते हैं कॉन्वेयंस। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा इनकम, जो भी कंपनी देती है एक्स्ट्रा इनकम, तो वो भी अर्निंग में आती है एक्स्ट्रा इनकम। और उसके बाद ये सब मिला के बनता है ग्रोस सैलरी, तो ग्रोस सैलरी भी डाल देते हैं। ये हो गया ग्रोस सैलरी, तो उसको सबसे पहले जो बोल्ड है वो बोल्ड हटा देते हैं। और यहाँ से तो अब आता है डिडक्शन, तो डिडक्शन में क्या क्या आता है, तो प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ, तो प्रोविडेंट फंड रखते हैं, प्रोविडेंट फंड ये हमारे ग्रोस सैलरी से कटता है, तो प्रोविडेंट फंड। उसके बाद आता है ईएसआई, तो ईएसआई जो होता है वो एक जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसके टाइप आता है, जो इंश्योरेंस का जो पेमेंट आता है इंस्टॉलमेंट वो भी करता है हमारी सैलरी से, तो उसको ईएसआई बोलते हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई कंपनी अपनी कंपनी से लोन लिया है तो लोन भी कटता है। और उसके बाद जो टैक्स कटता है तो वो टैक्स वाला कॉलम, तो ये भी वो टोटल जो हम अर्निंग है उसमें से कट जाता है। तो यहाँ पर हम एक डाल देंगे टोटल डिडक्शन, तो ये हो गया टोटल डिडक्शन, तो उसको यहाँ पे जो बोल्ड है उसको हम हर बोल्ड हटा देते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा हमारा जो बेसिक क्या कहाँ से अर्निंग होती है और कौन से डिडक्शंस होते हैं ये सब डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमको आता है नेट सैलरी, तो नेट सैलरी इधर रख लेते हैं, तो नेट सैलरी हो गई। अभी हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक हम बॉर्डर दे देंगे, तो ऑल बॉर्डर दे देंगे, सभी जगह पे बॉर्डर आ जाएगी। और यहाँ से थोड़ा सा ये जो रो है उसको हम हल्का सा कलर दे देंगे, यानी कि हल्का सा कलर दे देंगे तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे कलर भी आ गया हल्का सा। और उसको ग्रोस सैलरी है उसको हम इटैलिक कर देते हैं, ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे ग्रोस सैलरी है और यहाँ से टोटल डिडक्शन है। तो ये हमारा जो जो बेसिक है वो जो फॉर्मेट है वो तैयार हो गया है, बेसिक फॉर्मेट। अभी हम उसके अंदर बेसिक सी वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगाने के सबसे पहले हमको ग्रोस सैलरी फाइंड करना है। तो ग्रोस सैलरी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रोस सैलरी वाला जो ये सेल है ये सेल में क्लिक करके इज इक्वल टू करके सम वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। सम तो सम मतलब जो एडिशन होता है, तो इसमें बेसिक ओवर टाइम कॉन्वेंस और एक्स्ट्रा इनकम वो जो चार सेल में जो भी वैल्यू आएगी उसका सम करेंगे। तो ये अभी उसको उसके बाद हमको ग्रोस सैलरी मिल जाएगी। और उसके बाद ऐसे ही टोटल डिडक्शन है, तो डिडक्शन में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे सम, और यहाँ पे प्रोविडेंट फंड से लेकर के टैक्स तक ये सभी में जो भी वैल्यू आएगी उसका सम होगा। तो ये अभी आ गया नेट सैलरी। तो नेट सैलरी में क्या आएगा, तो जो भी ग्रोस सैलरी है उसके माइनस ग्रोस सैलरी में से माइनस टोटल डिडक्शन हो गए, तो जो ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन कट जाएगा वो बन जाएगी हमारी नेट सैलरी। तो हमने ये अभी सिलेक्ट कर दिया है, मतलब बेसिक फॉर्मूला लगा दिया है। अभी हमको यहाँ पे
आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैन्युअली भी डाल सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, ABC, एक्स्ट्रा, जो भी आप डालना चाहोगे यहाँ पे, डेजिग्नेशन भी कोई भी डाल सकते हैं, मतलब मैन्युअली आप यहाँ पे कर सकते हैं। मंथ हम डाल देंगे मार्च 2019, ऐसा भी डाल सकते हैं, और उसमें अंदर आप जो बेसिक जो है 10,000, या भी जो ओवर टाइम आपको मिला है, वो जो भी कुछ भी आप इधर इधर वो मतलब वो जो को कुछ भी इनकम, वो टोटल अर्निंग और टोटल डिडक्शन यहाँ पे जो भी डाल देंगे, उसके के माइनस हो के हमारी वो जो एक नेट सैलरी है वो हमको मिल जाएगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि हमको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करके वो डेटा ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोस्तों मैंने दूसरी एक सीट बनाई है, जो ये सीट में ऑलरेडी डेटा है, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय आईडी, जो एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पे सब ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन और मंथ, और कौन से मंथ की मतलब सैलरी स्लिप हम बनाना चाहते हैं, तो कौन से मंथ मंथ यहाँ पे मंथ एंड ईयर, यहाँ पे बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, कॉन्वेयंस, एक्स्ट्रा इनकम, प्रोविडेंट फंड, ESI, लोन, टैक्स, और उसके बाद में लास्ट में आता है नेट सैलरी। तो ये सीट बनानी ऑटोमेटिक, मतलब जो एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करके आपको करना है, तो ये सीट आपको पहले से बनानी पड़ेगी, उसके आधार पर हम वो सीट बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, मतलब कौन से फॉर्मूला का यूज़ करके हम ये बना सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हमको चाहिए वी लुकअप। तो वी लुकअप फार्मूला लगाने के लिए मतलब ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के लिए वी लुकअप वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमको सिलेक्ट करने के लिए जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, वो ड्रॉप डाउन इधर इधर ये ड्रॉप डाउन लाने के लिए ये सेल हमको सिलेक्ट करना है। ये सेल सिलेक्ट करके हमको जाना है डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाके यहाँ इधर ये जो डेटा वैलिडेशन है वहाँ पे सिलेक्ट कर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एनी वैल्यू, तो एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको लिस्ट सिलेक्ट करना है, और इधर कुछ भी नहीं करना है, जैसा भी ऐसा ही रखना है। और उसके बाद इधर आता है सोर्स, तो सोर्स में कहाँ से मतलब कौन सा सोर्स इधर डालना है, तो यहाँ पे सीट टू में जो ऑलरेडी हमने वो जो सीट बनाई हुई है उसके अंदर ये सोर्स में हमको पूरा का पूरा जो एम्प्लॉय आईडी है, मतलब एम्प्लॉय कॉलम है, उसको सिलेक्ट कर देना है, वो पूरे के पूरी एम्प्लॉय आईडी हमको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। अभी देखो इधर आ गई, पूरा का पूरा जो एम्प्लॉय आईडी है वो इधर आ गया है। अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी EMP005, तो उसका नेम, डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर, या बेसिक, ओवर टाइम, कॉन्वेयंस, एक्स्ट्रा इनकम और ग्रोस सैलरी, तो ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी क्या, क्योंकि हमने सम वाला जो फॉर्मूला वो लगा लिया है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, ESI, लोन, टैक्स, वो ऑटोमेटिकली ये सीट में से आ जाना चाहिए। तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला आएगी, तो उसके लिए आएगी वी लुकअप। तो हम वो वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगा के इधर एम्प्लॉय नेम इधर लाते हैं, तो उसके लिए इज इक्वल टू प्रेस करके वी लुकअप यहाँ पे टाइप करना। तो वी लुकअप देखो, ये वी लुकअप आ गया, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, कि लुकअप वैल्यू मतलब ये एम्प्लॉय नेम आप लाना चाहते हो, कि किसके बेस पर आप क्या सिलेक्ट करोगे, तो उसका एम्प्लॉय नेम आ गया। तो लुकअप वैल्यू में हमको ये सिलेक्ट कर देना है, कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय जो आईडी है वो सिलेक्ट होगा उसका नेम इधर आ जाना चाहिए। तो उसके बाद हमने ये सेल सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कॉमा लगा दिए, और उसके बाद टेबल एरे है। तो टेबल एरे मतलब वो जो हमारे जो पूरी सीट है उसको हम सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी सीट हमने सिलेक्ट कर दी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा कर दीजिए, उसके बाद कॉलम इंडेक्स, मतलब आप नेम लाना चाहते हैं, तो नेम जो है एम्प्लॉय का नेम वो कौन से कॉलम पे है, तो उसका कॉलम नंबर डालना है। तो इधर देखो, हमने टेबल एरे में हमने यहाँ से लेके स्टार्ट किया था, तो हमको ये जो कॉलम है, मतलब ये सेल है, हमने ये कॉलम हमने उसका नंबर दिया 1, तो हमको नेम लाना चाहिए, तो नेम कौन से कॉलम पे है, तो वो नेम वाला कॉलम जो है ये दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2, मतलब नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आएगा, तो उसमें हम 0 डाल देंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, आप जो भी एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे उसका नाम ये सीट में से आ जाएगा। अभी ध्रुव मकवाना जो आ गया है, जो एम्प्लॉय आईडी है 009, और ध्रुव मकवाना, तो इस सीट में हम कंफर्म कर लेते हैं 009 ध्रुव मकवाना, देखो ये आ गया। और जो भी सिलेक्ट करोगे उसका जो भी एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करोगे उसका नेम यहाँ पे
मिल जाएगा आपको। तो देखिए ये आ गया, और ऐसा ही हमको सब डिजिग्नेशन मंथ एंड ईयर और सबका करना है। तो सिंपली इधर ये जो फॉर्मूला है, ये वी लुकअप वाला फॉर्मूला, उसको कॉपी कर देंगे, और उसके बाद हमको चाहिए डिजिग्नेशन। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी पेस्ट कर दीजिए, हमें डिजिग्नेशन चाहिए। तो डिजिग्नेशन जो कॉलम है, जो कौन से नंबर पे है, तो ये डिजिग्नेशन है, ये कॉलम वो कौन से नंबर पे है, जीरो सॉरी ये 1, 2 और 3, तो ये 3 नंबर पे है डिजिग्नेशन। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, इधर जाके यहाँ पे कॉलम नंबर जो है उसको 3 कर देना है। अब ये आ गया डिजिग्नेशन, तो यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो ये डिजिग्नेशन आ गया। मंथ एंड ईयर के लिए दोस्तों यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर दीजिए, जो फॉर्मूला है वो कॉपी पेस्ट मार दीजिए कॉपी करके, और उसके बाद आए मंथ एंड ईयर वाला कॉलम कौन से नंबर पे है, 1, 2, 3 और 4, मतलब ये 4 नंबर पे मंथ एंड ईयर है। तो 4 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम 4 नंबर रखेंगे। तो ये मंथ एंड ईयर पे यहाँ पे हम कर देंगे 4। तो देखो ये हमको क्या मिलता है, देखो जनवरी 20। तो यहाँ पे देखो ये कॉलम आपको नहीं गया, उसके लिए आपको सिंपली एक फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेल, ये सेल, ये जो सेल है वो सेल सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में चले जाइए। वहाँ पे आपको जो डेट वाला है, जो ये डेट, वो वहाँ पे डेट में से आप जो भी डेट रखना चाहते हो, देखो ये मैंने ये रखा है, तो अभी प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने ये फॉर्मेट सेल नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे वो जो नंबर आ जाएगा, मतलब डेट की जगह पे कुछ अलग अलग नंबर आ जाएंगे, तो उसको डेट फॉर्मेट, जो फॉर्मेट सेल है उसको करना ज़रूरी है, डेट फॉर्मेट में करना पड़ेगा ये सेल को। तो देखो ये अभी आ गया, हम एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं 7। तो देखो मशीन ऑपरेटर, उसका डेजिग्नेशन धर्मेश मकवाना, ये भी देखो यहाँ पे सॉरी दोस्तों ये दूसरे सेल में चला गया। यहाँ पे हम उसको छोटा कर देते हैं ताकि ये आ जाए। ये देखो आ गया, ये एम्प्लॉय नेम आ गया धर्मेश मकवाना, डेजिग्नेशन मशीन ऑपरेटर, मंथ एंड ईयर जनवरी 20। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया है ये सब। अब अभी हम उसको ये बेसिक सैलरी और ये सब लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम वी लुकअप का ही यूज़ करके हम करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक सैलरी कॉलम है वो कौन से नंबर पे है। तो बेसिक सैलरी है देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, बेसिक सैलरी 5 पे, ओवर टाइम 6, कॉन्वेंस 7 और एक्स्ट्रा इनकम 8। तो हम उसका यूज़ करके यहाँ पे सिर्फ कॉलम नंबर जो है उसका नंबर ही चेंज करना है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे 5 कर देंगे, तो 5 करेंगे तो उसका बेसिक सैलरी आ जाएगा। ओवर टाइम 6 पे है, तो हम यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे 6 कर देंगे। एक बार जरूर से देख लीजिए, वो सीट में जो भी नंबर है कॉलम नंबर, वो भी वही डालना है, इधर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा नंबर डाला था, 5, 6, 7, अभी 7 डाल देंगे तो कॉन्वियंस आ गया। अभी एमपी एम्प्लॉय आईडी 007 का कॉन्वेंस कितना है, तो एम्प्लॉय आईडी 007 का कॉन्वेंस है 500। ओके आ गया, तो मतलब ये है 7 नंबर का कॉलम, ये यहाँ पे 8 नंबर का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे हम 8 रख देते। ओके एक्स्ट्रा इनकम वो भी जो भी डालेंगे इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी प्रोविडेंट फंड, उसका जो कॉलम नंबर है वो कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, प्रोविडेंट फंड 9, ईएसआई 10, लोन 11 और टैक्स 12। तो 9 से लेकर 12 तक यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे 9 कर दीजिए, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। यहाँ पे 10 कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे 10 कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया ईएसआई, और यहाँ पे 11, तो 11 में आ जाएगा लोन, और यहाँ पे टैक्स के लिए 12, तो यहाँ पे 12 कर दीजिए तो टैक्स आ जाएगा। और देखो टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी ऑटोमेटिकली आ गई है। अभी ये फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, तो उसको ऑल सिलेक्ट करके होम मेनू में जाके उसको 14 कर देते हैं, और उसको भी 14 कर देते हैं। देखो अभी आ गया, अभी ये जो आ गया है उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे एक जो एम्प्लॉय सिग्नेचर, उसको ये दो सेल सिलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर कर दीजिए, उसका अलाइनमेंट राइट लेफ्ट कर दीजिए ताकि लेफ्ट साइड आ जाए।
यहाँ पे लिख दीजिए एम्प्लॉई, एम्प्लॉई सिग्नेचर, एम्प्लॉयज एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, एम्प्लॉयज सिग्नेचर, और उसके बाद ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए, उसको भी दो सेल सिलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए, उसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्टर, डायरेक्टर। अभी उसका भी इधर लाइन खींच लीजिए और ये हो गया। और उसका फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 14 कर देते हैं, देखो ये 14 हो गया, अभी ये हो गया। तो दोस्तों ये सैलरी स्लिप है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसे सैलरी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करके आप ये कोई भी एम्प्लॉय आईडी पर से आपका मंथली जो सैलरी है, सैलरी स्लिप है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबका आ जाएगा, बेसिक, ओवर टाइम, और टोटल डिडक्शन, टोटल अर्निंग, को कुछ भी वो जो भी आ जाएगा। तो ये दोस्तों सैलरी स्लिप हम जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो पूरा जो एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसके सब एम्प्लॉय की जो सैलरी स्लिप हर मंथ निकलती है उसको बनाने के लिए ऐसे एक्सेल में बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये वीडियो में जो छोटी सी कोशिश की है थोड़ी सिंपल सी सैलरी स्लिप बनाने की, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।